हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑनलाइन रिलेशनशिप। और इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऑनलाइन प्यार होता क्या है, इसको लेकर के फैक्ट्स क्या कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इसमें हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और पांचवा, हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और इससे एक अच्छी रिलेशनशिप लीड कैसे कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, बायो में लिंक भी मिल जाएगा, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं, ओके मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर आप मेरे से लाइव मिल सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूं, तो आप वहां पे आकर के आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो और आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो, ओके मेरे दोस्त। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि ऑनलाइन रिलेशनशिप होती क्या है। तो बेसिकली हम सभी यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं और वहां पर हम स्क्रॉल करते रहते हैं। उसमें हमें कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनको देख करके हमको अंदर से थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार काशी मेरी लाइफ में होता, मेरी लाइफ में होती तो बहुत अच्छा होता। मतलब थोड़ा सा वाइब आपको दिखता है कि यार कहीं ना कहीं इससे मेरा कनेक्शन बैठ रहा है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर हम इस तरीके से कई सारे लोगों को स्टॉक कर भी करते रहते हैं, हम खुद से भी सर्च करते हैं कि देखते हैं इस नाम के लोग आते हैं, मतलब जो भी हमने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी होती है हम सर्च करते हैं, हम ढूंढते हैं, या फिर कुछ कोई प्रोफाइल हम स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे हमको दिख गया, हमने वहां पे कुछ लोगों को मैसेज कर दिया, DM कर दिया। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम ऑनलाइन लोगों को जो ढूंढते हैं, ऑनलाइन लोगों को सर्च करते हैं और वहां से हम अपने रिलेशनशिप को जो बिल्ड करते हैं वो रिलेशनशिप कहलाती है ऑनलाइन रिलेशनशिप। और ऑनलाइन रिलेशनशिप को लेकर के फैक्ट्स जान लो कि दुनिया में जो ऑनलाइन रिलेशनशिप बन रहे हैं उसमें से 26% लोग ही ऑनलाइन रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और उस 26% में से 14% वो लोग हैं जो आसपास के एरियाज के ही हैं, और उसमें से भी केवल 8% ही ऐसे लोग हैं जो एक सक्सेसफुल शादी में कन्वर्ट कर पाते हैं उस चीज को। तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम ऐसे ही घूमते रहते हैं लोगों के पीछे। तीसरी चीज हम जानते हैं कि ऑनलाइन रिलेशनशिप में हम दिक्कत क्या करते हैं, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, आप फेसबुक पे देखोगे, आप लिंक्डइन पे देखोगे, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, हर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपना बेस्ट दिखा रहा है। हम भी क्या करते हैं, जब सोशल मीडिया पे कोई भी पिक्स हमको डालनी होती है, कोई भी वीडियोस डालने होते हैं, तो हम उसको परफेक्ट, जो हम 10-20 शॉट लेते हैं उसमें से जो हमें अच्छा दिखता है, जो हमें सबसे परफेक्ट दिखता है, हम वही डालते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अच्छाइयाँ ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप किसी की सोशल मीडिया चेक करके उससे बात करना या उसमें इंटरेस्टेड है तो वो अपना बेस्ट दिखा रहा है, यू डोंट नो कि उसकी रियलिटी क्या है। कहते हैं ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या होता है, हम सामने वाले को वनली सोशल मीडिया पर जानते हैं, हम जानते ही नहीं है सामने वाला पर्सन रियल में कैसा है, वो हमारे आसपास कहाँ का है, हम कुछ भी नहीं जानते। हमने किसी को देखा और हमने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में कन्वर्ट कर लिया कि यार इससे मेरी शादी होगी, ऐसे होगा, हमारी लाइफ ऐसी होगी, कितना खूबसूरत होगा, उससे मेरी ये बातें होंगी, उसके बाद फिर हमारे बच्चे होंगे, हमारा ये होगा। मतलब हम अपने ख्याली पुलाव अलग अलग तरीके से बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि बस हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। और हम जब किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं ना, और उस पर्सन को हमने मैसेज किया और सामने से एक रिप्लाई भी आ गया, हमको लगा अरे यार मैं तो सोच रहा था अब तो मेरा पक्का यहाँ से होने वाला है, और फिर हम थोड़ा सा बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी सामने से कुछ रिप्लाइज भी आ जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोग हमारे पास DM कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, और हम उनको रिप्लाई देते हैं और फिर हमारी चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, आप ये चीज़ सोच करके देखो कि किसी पर्सन को आपने रिप्लाई किया, किसी पर्सन ने आपको मैसेज किया, हाय हेलो या जो भी लिख करके, और आपने रिप्लाई कर दिया और वो आपसे बात करना स्टार्ट कर दे रहा है, आपको क्या लगता है उसने केवल आपको मैसेज किया होगा? नहीं ना। या फिर आपने किसी को मैसेज कर दिया, आपको क्या लगता है उसको केवल आपने मैसेज किया होगा? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी दे देते हैं कि नहीं नहीं हमने तो स्पेशल है हम, या कोई हमसे बात कर रहा है तो हमारी रिलेशनशिप तो बन गई पक्की है, इस तरीके के ये तो बेवकूफ़ी वाली हो जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप 4-4 साल 5-5 साल हो चुका है, और मैंने बात किया है, पर्सनली मैंने बात किया लोगों से कि 5 साल हो गया है, मैंने सामने वाले को देखा ही नहीं लेकिन मुझे बहुत प्यार है। प्लीज़ स्टॉप इट, ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। आप अटैच हो सकते हो किसी पर्सन से, लेकिन आपका जो रियल में एक मीनिंगफुल कनेक्शन होता है ना, ये सामने वाले से जब तक आप मिलोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं बन सकता वो कनेक्शन। आप बोलते हो नहीं मुझे ऑनलाइन ये चीज़ होगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती है दोस्त, ये चीज़ समझना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या होती है ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में दिक्कत यही होती है कि हम सामने वाले का केवल बेस्ट देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं जो सामने वाला हमको दिखाना चाहता है या दिखानी चाहती है। आप वही देख सकते हो ना, आप किसी से अगर बातें भी, आपकी चैटिंग भी स्टार्ट हो गई, आप आधे घंटे 1 घंटे बात कर ले रहे हो किसी से, अगर किसी से आप 24 घंटे बात कर रहे हो तो तुरंत करना बंद ही कर दो, 10 घंटे 8 घंटे बात कर रहे हो प्लीज उसे बंद करो, दैट इज वनली टाइम पास। और किसी के साथ आप जेन्युइनली आधे घंटे 1 घंटे बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कोई आधे घंटे 1 घंटे में अपनी बुराई बताएगा?
अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, मैं बुरा हूँ, ये हूँ, वो हूँ बताएगा। चाहे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, ऑडियो बात कर रहे हो या फिर चैट कर रहे हो, आप बेस्ट ही देखोगे। और कई बार क्या होता है, हम ऑनलाइन किसी से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बहुत कुछ हमने कर स्टार्ट कर दिया होता है, वीडियो कॉल पे भी बातें कर लेते हैं, हम ऑडियो पे भी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब रियल में आप उस पर्सन से मिलोगे ना, आपको वो वाइब नहीं आने वाली है जो वाइब आपको चैट पे आ रही थी। बहुत डिफरेंस है दोनों में। जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं, हम सामने वाले को सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम उसके बारे में बहुत कुछ बना लेते हैं, और अगर हमने वो चीज़ें एक लंबे समय तक कंटिन्यू कर दिया ना, वो हमारी कहीं ना कहीं जो कहते हो ना अट्रैक्शन, वो बन जाता है। फिर जब आप रियल में सामने वाले पर्सन से कभी मिलना हुआ, फिर आप देखते हो यार ये तो वो पर्सन नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए मैं परेशान था, जिसके लिए मैं मरा जा रहा था। क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, जिनको आज आप रील में देख रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत टॉप के लोग हैं, उनसे आप रियलिटी में मिलके देखोगे आपको लगेगा दो कौड़ी के लोग हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है जिसमें आप बस यूं ही भागते ना चले जाओ, तो उसको रियल में कन्वर्ट कैसे करना है, या रिलेशनशिप हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप को भी हम अच्छे तरीके से, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को के पीछे भाग रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन को से बातें कर रहे हो जिनको आप पर्सनली भी जानते हो, लेकिन आप ऑनलाइन उनसे बातें कर रहे हो, या पर्सनली आपका मिलना नहीं हो पा रहा, लेकिन जानते हो कि हाँ ये पर्सन ये है, यहाँ पे रहता है, ये है उसके बैकग्राउंड, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आप सामने वाले को पर्सनली उसके बारे में जान भी सकते हो। दूसरा चीज़ होता है कि आप टोटली सामने वाले को जानते ही नहीं हो, आप इंडिया में या फॉरन में किसी से बातें कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपकी शादी हो जाएगी या वहाँ आपका कोई फ्यूचर है, देयर इज नथिंग। तो अगर केवल टाइम पास कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन अगर आप सीरियसली सोच रहे हो तो एक बार दिमाग लगा करके रियलिटी के साथ सोच लेना कि औकात है। बुरी नहीं लगनी चाहिए बातें यार दोस्त, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, औकात है कभी जाने की। आज जो तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जाकर के वहाँ पे शादी कर पाओगे? नहीं। बहुत सारे लोग आज इसमें पड़े हुए हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के नाम पर बोलते हैं, नहीं मुझे बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। अरे भाई, अरे बहन, रियलिटी तो देखो। तुम आज यूपी में हो और तुमको प्यार हो गया है किसी केरल के बंदे से, तमिलनाडु के बंदे से, मुंबई के बंदे से, गुजरात के बंदे से, तुम यहाँ हो, कोई वहाँ है, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं अब तो हमको प्यार हो गया तो हम शादी करेंगे। अरे कैसे करोगे, कभी सोचा है? तुम प्यार रिलेशनशिप में पड़ जाओ, अटैचमेंट में पड़ जाओ तब तक चलेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें शादी करने की बात आएगी, जिस दिन तुम एक होने की बात आएगी, जिस दिन तुम्हें प्रैक्टिकलिटी के साथ उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की बात आएगी, टूटना ही टूटना है। 90% केसेज में खराब ही होंगे, क्योंकि 90% केसेज में आप देखोगे रिलेशनशिप ब्रेक ही होते हैं ऐसे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करोगे 90% तो फेक ही होते हैं उसमें, कि बस चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, टाइम पास करना है। अगर तुम्हें टाइम पास करना है फिर तो तुम्हारी लाइफ है, टाइम पास कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर इन सीरियस रिलेशनशिप तो प्लीज़ सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप जिनसे भी बातें कर रहे हो या जिनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, ट्राई करो कि यार ऑफलाइन देख लो। बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी सिटी है, तुम्हारा शहर है, बहुत सारे लोग तुमको मिल जाएंगे जनरली, जिनको तुम सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हो ना, तुम्हें आसपास ही मिल सकते हैं, तो वहाँ पर फोकस कर लो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी रिलेशनशिप बनने के और एक लॉन्ग लास्टिंग या फिर आप वहाँ पर शादी विवाह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब आप नज़दीक में रहोगे तो एक दूसरे के बारे में आप जान भी पाओगे, आपके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं नहीं पता नहीं कौन बंदा है, अब 1000 किलोमीटर दूर तुमने किसी से प्यार कर रखा है, अब ना उसके बारे में हम जानते हैं, ना उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, ना उसकी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, उसके कल्चर के बारे में जानते हैं, और तुमको प्यार हो गया बस। और प्यार भी क्या प्यार हुआ, वो प्यार थोड़ी ना है, वो तो अटैचमेंट हो गया तुम्हें बस, तुम भी सामने वाले को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बस प्यार हो गया, तो पागल हुए रहोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जिससे भी प्यार कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ कि ट्राई करो कि वो आपके आसपास का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ी सी दूरी भी है, मतलब एक सिटी में आप रह रहे हो, दूसरी सिटी में रह रहा है, तो आप ट्राई करो कि अगर आप जेन्युइन एक रिलेशनशिप में जा रहे हो तो कुछ दिन आपने बात किया, हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने बात कर लिया, ट्राई टू फिक्स कि मिल सको तो मिल लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलना, कि जिससे आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, जिससे आप मिल रहे हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब आप मिलते हो ना तो आप वाइब फील कर पाते हो सामने वाले की, उसका ऑरा क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी आई कॉन्टेक्ट कैसा है, वो किस तरीके से आपके से किस लहजे में बात कर रहा है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। कई बार क्या होता है, हमने जो है देख देख करके उसकी वीडियोज़ देखी, हमने फोटोज़ देखी, हमको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, रियलिटी में मिल रहा है यार ये है। 90% केसेस में टूट जाते हैं सपने तुरंत, कि यार हमने सोचा क्या था और पर्सन है क्या। तो हमको रियलिटी देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कम से कम सामने वाले से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कम से कम मिले हो,
और तुरंत ही अपने रिलेशनशिप को कमिट नहीं कर देना है। सबसे पहले एक फ्रेंडशिप बनानी, अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए पहले फ्रेंडशिप जरूरी है कि आप एक दूसरे के बारे में जानो, उसकी फैमिली, उसके घर, उसके रिश्तेदार क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जानना जरूरी है। इफ यू आर ओनली टाइम पास तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी जान सकते हो ना जब सामने वाले से आप मिलोगे, या उसके घर पे देख सकते हो, या उसको फ्रेंड सर्कल में देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बिल्डअप देती हैं कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सके, अदरवाइज टूटने वाले। और जब ये चीज़ें टूटती है ना, हमारे जो ख्वाब है, हमने जो एक्सपेक्टेशन बना करके रखी है, सब ये टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। क्योंकि क्या होता है, लोग पागलों की तरह प्यार करते हैं, और जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे फिर ये टूटता है ना, जब दिल बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, फिर हमसे हमको वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हमको ये समझना है कि ये जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, इन गलतियों को कंट्रोल करना है समझदारी के साथ। अगर तुम रियल में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो, अगर टाइम पास हो तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी। अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं प्यार में ये नहीं होता है, प्यार में शक्ल नहीं इंपॉर्टेंट होती है, प्यार में ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एक रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो जेन्युइन, तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो, तुम फैमिलीज के बारे में सोच रहे हो, तो सब कुछ जरूरी होता है दोस्त। ऐसा नहीं है तुम सामने वाले पर्सन के साथ केवल कनेक्ट हो गए, तुमको उससे प्यार हो गया, तुमने उसको देखा नहीं है, बस उसकी वाइब्स आ रही है, उसकी बातें बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत जल्दी दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको एक्सप्लोर करो, उसकी फैमिली, उसका घर परिवार, बैकग्राउंड, उससे फिजिकल रूप में मिलो, सामने से मिलो, टच फील, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे ना फिर आप रोते रहोगे, आप पछताते रहोगे। तो दोस्त, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग बन सके, तो आप ऑनलाइन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसको ऑफलाइन में जल्द से जल्द कन्वर्ट करो। आप मिलो, जानो एक दूसरे को, एक दूसरे के ऑरे को, वाइब को महसूस करो, फील करो, उसकी फैमिली, उसके सोशलाइजेशन, उसकी दोस्त, उसकी बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करो। फ्यूचर तुम्हारा क्या होने वाला है, उन टॉपिक्स पर बात करो। और कोई पर्सन अगर तुमसे मिलने से इनकार कर दे, नहीं नहीं हम जो भी करेंगे ऑनलाइन करेंगे, नहीं मिल सकते, प्लीज़ उनसे दूरी बना लो। क्योंकि जो पर्सन तुमसे मिल नहीं सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी कर पाएगा? नहीं ना। तो इस चीज पर फोकस करो। अगर तुमने ये सारी चीजें देखी तो आपकी रिलेशनशिप एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है। आपकी ऑनलाइन से शुरू हुई रिलेशनशिप को ऑफलाइन में लेके आओ और उस पर काम करो, उसको बिल्डअप करो, उसमें ट्रस्ट लाओ। मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें तो आप करोगे बाद में, लेकिन पहले सामने वाले को जान लो अच्छे से, फिर कमिटमेंट दो, फिर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम 2-3 साल रहते हैं रिलेशनशिप में, फिर जब हम सामने आते हैं हमें लगता है अरे यार मेरे तो सपने टूट गए। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और भी लोगों के पास शेयर करो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। शायद एक शेयर आपका किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने से रोक सकता है। ओके मेरे दोस्त, तो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।